कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गड़बड़ झाले की जांच पहले सीबीआई कर रही थी, उसके बाद अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। वन विभाग का क्या कहना है, इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल साहब मौजूद हैं। सर, सरकार बड़ी कोशिश करती है अपनी छवि को सुधारने के लिए, करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, सामने आती हैं, तो इसे कैसे देखा जाता है, इससे क्या छवि पर असर पड़ता है? देखिए, सरकार की छवि पर आपको ध्यान होगा, जैसे ही सरकार गठन होने के बाद मुझे वन विभाग का प्रभार मिला, तो शुरुआत में ही हम लोगों ने पहली बार PCCM रैंक के अधिकारी सहित DFO और करीबन 5-7 लोगों को शुरुआत में ही हमने निलंबित करने का काम किया था। और इवन इसकी जांच विजिलेंस को देने के बाद विजिलेंस के द्वारा निलंबित DFO को गिरफ्तार करने का काम भी किया गया। उसके बाद चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी CEC बनी थी, वो भी इसको देख रही थी, और तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको CBI को सौंप दिया गया। तो CBI को सौंपने के बाद ये ED का छापा, CBI, ये सब CBI से रिलेटेड मामला है, क्योंकि मामला अब CBI के को सौंप दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई अंतिम सुनवाई हो चुकी है। तो लिहाजा इस मामले में अब क्योंकि एक तरफ मामला सर्वोच्च न्यायालय में, एक तरफ CBI पे है, तो हम सरकार ने तो जो अपना काम करना था वो कर लिया। अच्छा सर, एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से भी, कि जब एक IFS स्तर के अधिकारी के घर में करोड़ों रुपए का कैश मिलता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? ये लोग कैसे पोस्टिंग पा रहे थे अगर इतने ईमानदार थे? सरकार कैसे इन लोगों की पोस्टिंग कर रही थी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों पर? और कैश मिलता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जोड़कर इसे देखा जाता है। देखिए, जब तक कोई पकड़ा ना जाए तब तक आप उसको कह नहीं सकते कि क्या उसके बारे में, क्योंकि सामान्य जनरल परसेप्शन पे ये चलता है कौन अधिकारी एफिशिएंट है कौन नहीं है। और मेरा तो प्रयास रहा, अगर आप देखेंगे पिछले 2-2.5 वर्षों में वन विभाग में हमने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मैंने पहले दिन ही कहा था कि द इरा ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डूबर, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट उद्योग बन गया था उसको ख़त्म करने का हमने काम किया। हमने कहा परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग देंगे। अब चूँकि इसमें CCM गढ़वाल बने थे, तो मैंने CCM गढ़वाल से उनको यहाँ से ट्रांसफर करने का काम किया। अब चूँकि पर्यावरण मंत्रालय मेरे पास नहीं है, मेरे पास वन विभाग है, तो और पर्यावरण मंत्रालय की पोस्टिंग भी मेरे पास नहीं आती। लेकिन कुल मिला करके ये कहना है कि देखिए, अधिकारी हमारी सरकार जब से आई, अगर आपने देखा होगा तब से, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनमें इनके सस्पेंशन की फाइलें मुख्यमंत्री भी जाती हैं, तो हमने जितने अधिकारियों को सस्पेंशन इस सरकार में हुआ, संभवतः राज बनने के बाद कभी नहीं हुआ, जहाँ पर भी हम लोगों को भ्रष्टाचार की आई, तो मैंने निश्चित रूप से सस्पेंशन के लिए अनुमोदन करके मुख्यमंत्री को भेजा और मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव किया। तो हम लोग कतई किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को शेल्टर देने से गुरेज करने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर विश्वास कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की प्रक्रिया होगी? जैसे लिखित आएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे ही आया था उसी दिन सरकार ने उनको वहाँ के प्रभार से हटा दिया, संबद्ध कर दिया उनको। अब चूँकि इनको इनके खिलाफ ED की रेड भी है, अब जैसे ही गवर्नमेंट को सूचित किया जाएगा वैसे इसके खिलाफ कार्रवाई करती जाएगी। जितना चल रहा है कि अगर गिरफ्तार होंगे तो नेचुरली 48 घंटे गिरफ्तार रहने के बाद तो सस्पेंशन का प्राविधान है ही।